दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही शानदार कॉमर्शियल व्हीकल महिंद्रा बोलेरो पिकअप। ये महिंद्रा बोलेरो पिकअप का सबसे टॉप मॉडल है, सबसे टॉप सेलिंग कॉमर्शियल व्हीकलों में से एक है। इसकी बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है और ये आज मैं इसके लिए लेके आया हूँ एक डिटेल रिव्यू। इसमें आपको मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, जैसे कि इसकी एक्सरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, पावर, पिकअप और न्यू लेटेस्ट फीचर्स के बारे में। लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो पे, ताकि आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आप 1.7 टन देख रहे हैं, सबसे टॉप मॉडल इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक सीबीसी और पिकअप का। और इसके नीचे वाला है वेरिएंट 1.3 टन का, उसमें भी आपको सीबीसी का और पिकअप का और सादा स्टीयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कुल मिला के 5 इसमें आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। और इसकी जो इंजन पावर की बात करें दोस्तों, इसमें आपको पावरफुल M2DI CR डीजल इंजन मिलता है, जो कि BS6 इंजन अभी इसमें आपको मिलेगा। और कुछ इसमें आपको लेटेस्ट फीचर्स भी मिलने वाले, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसका अगर इंजन पावर की बात करें, इसमें द पावरफुल M2DI CR टर्बो चार्ज डीजल इंजन बनता है। द पावरफुल M2DI CR टर्बो चार्ज डीजल इंजन 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन, जो कि 75 हॉर्स पावर जनरेट करता है। पहले आपको इसमें 68 BHP की पावर मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको 75 हॉर्स पावर एक नया इंजन मिलेगा, BS6 इंजन, जो पहले से काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड कर दिया गया है। इसकी माइलेज जो है पहले से भी ज़्यादा आपको मिलेगी। और इसमें आपको 75 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला एक बहुत ही पावरफुल इंजन मिलता है। यहाँ पे आप देखते हैं एक साइड की बैटरी दी गई है। और इसके जो इंजन कंपार्टमेंट है काफ़ी शानदार, काफ़ी पावरफुल यहाँ पे दिए गए हैं। जबकि ECU वगैरह पहले आपको ओपनली मिलता था, लेकिन अब ये आपको काफ़ी फिक्स और इसका जो कैप वगैरह आ गया काफ़ी मतलब सेफ्टी में हो गया ये। चलिए इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक की बात करूँ, तो ये काफ़ी शानदार, काफ़ी मस्कुलर बॉडी रोल में इसके साथ ही आती है। आप ये देख सकते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक। मैं इसका पूरा फुल व्यू दे देता हूँ साइड प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल लुक के साथ में। आप ये देख सकते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल लुक। यहाँ पे आपको वाइपर वाशर मिल जाते हैं। ये इसकी ग्रिल है, जो कि पहले आपको बोलेरो में मिलती थी, आप इसमें आपको पिकअप में भी मिलती है। ये इसकी हेडलाइट है, जो कि काफ़ी शानदार हैलोजन और हाई बीम लो बीम का साथ आती है। यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं। ये इसका मेटल का बम्पर है, जो कि काफ़ी मजबूत है। और ये जो है बाबू दोस्तों आपको स्टील में मिलता है, काफ़ी मजबूत है। और ये साइड प्रोफाइल लुक की बात करें यहाँ पे दोस्तों, ये इसकी साइड प्रोफाइल लुक 5.2 मीटर की टोटल लेंथ है। और डेक बॉडी की जो लेंथ है दोस्तों वो है 9 फुट। इसमें आप 1700 kg इसकी पासिंग है, लेकिन आप 3 से 4 टन इसमें आसानी से रख सकते हो। बाकी ये इसका साइड प्रोफाइल लुक, यहाँ पे फुट स्टेप दिए गए हैं। ये इसके ORVMs हैं, काफ़ी बड़े इसमें ORVMs मिलते हैं। और ये इसके डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको बोलेरो पिकअप FV 1.7 टन की ग्राफिक मिल जाएगी। और ये इसके कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स। ये इसके विलार्चेस, जो कि रिफ्लेक्टेड होते हैं। और ये इसका दोस्तों जिसका जो टायर साइज़ है, इसमें आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। और इनका टायर साइज़ है 114 सेक्शन 109L। और काफ़ी बढ़िया है ये, इसमें आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करें, इसमें आपको फ्रंट में दोस्तों आपको 5 लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं विद टेलीस्कोपिक डुअल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ। वहीं आपकी इसके रियर सस्पेंशन की बात करें, तो इसमें आपको 9 लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ। फ्रंट में आपको एंटी रोल बार का भी ऑप्शन मिल जाता है इस 1.7 टन पिकअप में। इसमें आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, न्यू जनरेशन की ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, जो कि ब्रेकिंग को काफ़ी मजबूत और सॉलिड बना देता है। आप गाड़ी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक एक्स्ट्रा लॉन्ग की ग्राफिक, जो कि काफ़ी बढ़िया दिखता है। और यह इसकी रियर प्रोफाइल लुक, जो कि काफ़ी शानदार है। और ये इसका पूरा फुल व्यू मैं आपको दे देता हूँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक महिंद्रा का बड़ा बैच मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील टायर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर मिलते हैं रियर पार्किंग सेंसर, जो कि इसका लेटेस्ट फीचर है। यहाँ आपको क्यों मिलती है टेल लाइट, काफ़ी बढ़िया टेल लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बाइक सपोर्ट। और ये इसका नंबर प्लेट आप देख सकते हैं, नीचे का भी मैं कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। इसमें आपको लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। यहाँ पे आप फ्यूल लीड दिए गए, यहाँ से डीजल भर सकते हैं। 57 लीटर के इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसकी एग्जॉस्ट नॉट टेल पाइप, काफ़ी हाइटेड दी गई है। अब मैं चलता हूँ इसके इंटीरियर में, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी शानदार इसकी जो डोर पैडिंग है दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी शानदार डोर पैडिंग आपको इसमें मिलती है।
आप देख सकते हो डुअल टोन आपको डोर पैडिंग मिल जाती है, काफ़ी शानदार दिखता है। यहाँ पे आपको आर्मर्स मिल जाता है हार्ड फाइबर फिनिश में, यहाँ से आप ग्लास को अप डाउन कर सकते हो। ये लॉक अनलॉक दिए गए हैं, ये इसकी हैंड ब्रेक, काफ़ी शानदार सीट्स इसमें आपको मिलती है, ये काफ़ी बढ़िया हाइट लंबर काफ़ी बढ़िया इसमें सपोर्टिंग दी गई है। ये इसमें दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे इसमें आपको, उस साइड दो पैसेंजर भी बैठ सकते हैं मीडियम साइज के बंदे। इसमें आपको सीट बेल्ट वगैरह भी दी गई है, वो रूप पे लाइट दी गई यहाँ पे केबिन में, इस साइड और उस साइड वेंटिलेशन दिए गए हैं। यहाँ पे इसके पैडल्स दिए गए हैं, ये रीजन के बटन्स हैं जो BS6 में आते हैं। ये हेडलाइट बीम एडजस्टर, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिया गया है। ये है दोस्तों इसकी की, जो कि इसमें आपको सिंपल की मिलती है कुछ। चलिए अंदर बैठ के भी देख लेते हैं अभी इसमें। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक दिखाई चुका हूँ, और ये इसके फुट स्टेप है आसानी से आने जाने के लिए अंदर। ये है दोस्तों इसका डिजिटल विथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो दिखाता है फ्यूल गेज और टेम्परेचर, और इस तरह आपको मिलता है एक स्पीडोमीटर। यहाँ पे इंडिकेटर्स के वार्निंग बटन वगैरह मिलेंगे आपको, इंडिकेटर्स जो दिखाएंगे फ्यूल गेज, लो फ्यूल गेज, लो बैटरी, हैंडब्रेक वगैरह। अब ये है इसकी स्टेयरिंग व्हील्स जो कि काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा। और इस तरफ आपको मिलते हैं लाइट के कंट्रोल्स, और इस तरफ आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। और कुल मिला के इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको बोलेरो का डैशबोर्ड मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार फिट और फिनिश के साथ आता है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा डैशबोर्ड इसका। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्लो बॉक्स, यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी लगवा सकते हैं, कंपनी भी लगा के देती है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है हेजर्ड लाइट का बटन्स, और ये इसका 12 वोल्ट का DC पॉइंट मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन किसी भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और ये आप देख सकते हो इसका IRVMs 190 मीटर आपको मिल जाता है को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता सनवाइजर पर। ये इसकी मैटिंग है जो कि काफ़ी बढ़िया है, पहले से काफ़ी बढ़िया मैटिंग आपको मिलती है। ये इसके टूल किट्स हैं कुछ, इसके इसमें आपको सारे के सारे टूल किट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बुक है, यहाँ से आप सारी बहुत कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी एक्सरूम प्राइस, ऑनर प्राइस और डाउन पेमेंट के बारे में डिटेल दे देता हूँ। तो जो इसकी एक्सरूम प्राइस है वो 8,13,914 रुपये है, और जो इसमें आपको डाउन पेमेंट देने पड़ते हैं वो 1,27,000 रुपये है। टोटल जो इसकी ऑनर प्राइस है वो 8,91,732 रुपये पड़ती है आपको। ये वारंटी की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है 1,00,000 किलोमीटर के लिए, और आप इसे स्टैंड भी करा सकते हैं थोड़े बहुत पैसे देकर। तो दोस्तों कैसी लगी 1.7 टन महिंद्रा बोलेरो पिकअप? यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।